गुड निंग स्टूडेंट मैं वीना सहाय लॉकडाउन में लॉकडाउन में मैंने एक चैनल स्टार्ट किया ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम में साइंस समझ सके एवं पढ़ सके मैं किताब से ही डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ एनसीआरटी का बुक है ना डायरेक्ट बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ मैं नाइन्थ एट टेंथ तीनों क्लास के कई वीडियोस डाले हुए हैं कंप्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में तो मैं शुरू की हूँ एट क्लास के कुछ वीडियोस हैं दो तो, तीन चैप्टर्स मैंने किया है नाइन्थ में तो भी मैंने छः सात चैप्टर्स किया है और टेंथ तो में अभी स्टार्ट की हूँ बायोलॉजी तो आप इन वीडियो को देखिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए है ना ताकि मैं और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी कर सकूं, ठीक है अभी मैं इसके पहले मैंने का कुछ भाग पढ़ाया था अब मैं और आगे बढ़ रही हूँ ग्लूकोज के बारे में ग्लूकोज के खंडन पायरवेट और उनके तीनों पत्थों के बारे में मैंने भी समझाया था उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और पिछले क्लास में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए आप हमसे क्वेश्चन पूछिए मैं आपको जरूर बतलाऊंगी यदि समझ में नहीं आया हो ग्लूकोज का विखंडन तो आप हमसे या कुछ भी आप हमसे पूछिए मैं फिर आपको बतलाऊंगी ओके अभी मैं शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट पेज वाय श्वसन पथ ऑक्सीजन निर्भर करता है है ना वायु श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, तो मैं भी तुरंत बतलाई थी अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होता, होता है उसे अवायु श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायु श्वसन कहते हैं तो वायु श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है अतः वायु श्वसन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है ठीक है हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है रंध्र होता है उससे गैसों का आदान प्रदान होता है है ना? अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है अंतर के बने कोशिका के बीच का जो अंतर होता है वो अवकाश सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है ये कोशिकाओं में या उनसे दूर बाहर वायु में जा सकती है की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है की दिशा पर्यावरण की अवस्था पर्यावरणीय अवस्था पर्यावरण की जो अवस्था है उन पर तथा पौधों की जो आवश्यकता है उस पर निर्भर करती है रात में जब कोई प्रकाश से की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आधार प्रदान क्रिया होती है है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो दिन में होती है तो जब रात में जब कोई प्रकाश की क्रिया नहीं होती है नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही निष्कासन ही मुख्य आधार प्रदान क्रिया है और दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है होता है ना आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छोड़ा हुआ, हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में है श्वसन के दौरान जो छोड़ा जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ले लिया जाता है अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा कि रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान-प्रदान की क्रिया हो जाती है और दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है प्रयुक्त हो जाता है अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना है जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना इसके लिए कई अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है जैसा स्थलीय जंतु का अलग है जलीय जंतु के अलग अंग होते है, है ना? इसी के बारे में कहा जा रहा है कि स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन ले, लेते हैं वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वायु में जो ऑक्सीजन है वे हम लोग लेते हैं पर रहने वाले जंतु लेते हैं परंतु जो जंतु पानी में रहते हैं जल में रहते हैं वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन का ही उपयोग है क्योंकि उन्हें और उसके अलावे कोई ये नहीं ऑप्शन नहीं है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही उपयोग करने की उन्हें आवश्यकता होती है और उसे सूर्य का क्रिया होता है और स्थल में रहने वाले यानी कि जमीन में रहने वाले हम लोग जैसे वायुमंडल ऑक्सीजन वायु लेते हैं निश्चित है कि ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं खुले वातावरण से लेते हैं खुले वायुमंडल से लेते हैं तो हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं एक जलसाला में मछली का अवलोकन करें वे अपना मुंह खोलती है बंद करती है साथ ही आंखों के पीछे क्लूम या क्लूम चिन्ह को ढकने वाला गलफड़ा जिसको कहते हैं गलफड़ा गिल्स क्लूम वो खुलता है और बंद होता रहता है मछली आप लोग सब देखे होंगे और मछली को पानी में तैरते हुए जब देखे होंगे तो आप देखते होंगे कि मछली एक एक सेकंड में मुंह खोलती है और पानी के ऊपर वो अपना निकालती है और बुलबुला छोड़ती है, है ना या आप लोग सब देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी मछली पकड़ते हुए देखते हुए या नदी किनारे तालाब किनारे बैठ करके मछली का एक्टिविटीज देखते तुरंत एक एक सेकंड में मुंह खोलती है बंद करती है मुंह खोलती है बंद करती है देखने में अच्छा भी बहुत लगता है तो हम हाँ देखते हैं कि गिनती करेंगे कि मछली एक मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है तो ये बहुत ज्यादा होगा उसकी तुलना में हम लोग का सांस लेना बहुत कम है है ना? इसके तुलना में अपने करने से मछलिया कई बार बू खोलती है और बंद करती है बहुत बार। उस तुलना में हम लोग स्थल वाले जीव बहुत कम है कम करते जो जीव जल में रहते हुए जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है बहुत कम होती है इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है मछली अपने मुंह के द्वारा जब जल लेती है और फिर बलपूर्वक इसे क्लूब तक पहुंचाती है जहाँ विले ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है घुला हुआ ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं विभिन्न ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है अलग अलग जीवों में कई जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा शोषित की जाती है कुछ जीव त्वचा द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। हैं। कुछ द्वारा ऑक्सीजन लेते तो इन सभी अंगों में एक ही रचना होती है जो हम उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उसकी सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है है है, ना जो ऑक्सीजन बाहुल्य बाहु बाहु के में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है यह सतह काफी पतली और मुलायम होती है और इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित होती है अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है, है? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह के आर पार होता है कि अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित होती है अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है और उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। आप चारों तरफ देखिएगा हर जगह दिया रहता है। का ना खा, सिगरेट न पिए सिगार न पिए हुक्का न पिए गुटका न खाए क्यों क्योंकि इसका असर सीधे हमारे लंग्स पर पड़ता है है ना शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है सिगरेट की बीड़ी की हुक्का की, गुटका की लेकिन ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है और जानलेवा बीमारी भी होती है और इसे जाने भी चली जाती है तो तम्बाकू का सीधे उपयोग क्या शिकार सिगरेट बीड़ी अथवा गुटका आदि का प्रयोग किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीव फेफड़ा दिल और यकृत को प्रभावित करता है धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे स्ट्रॉक फुश बीमारियों और कैंसरों के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है है ना लोग बोलते हैं गुटखा नहीं खाना चाहिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए नहीं लेना चाहिए कैंसर की घटनाएं बढ़ हम है। देखते हैं कि ज्यादा सिगरेट पीना, शिकार करना वो क्या करता है हमारे लंग्स को लंग्स तक पहुंच करके कार्बन मोनोक्साइड हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है मनुष्य में यानी कि वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है हम लोग में कैसे होता है मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार है ना नासा द्वार के द्वारा जाती है क्या वायु हवा देखो है ना नासा द्वार के द्वारा जाती है द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती है हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं है ना नाक के अंदर छोटे चुट छोटे जो बाल रहते हैं वे इतने महीन होते हैं और वो उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाते हैं जिसमें शरीर में जाने वाली शरीर में जाने वाली वायु धूलकण आदि दूसरी अशुद्धिया रहित होती है इस मार्ग में श्लेषमा को श्रीष्मा की परत होती है इसमें इस मार्ग में श्लेषमा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है ना नाक क्या रहता है श्लेषमा एक म्यूकस की तरह रहता है लसलसा पदार्थ और ये क्या करता है जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ जो कुछ गंदिया हमारे शरीर के अंदर जाती है आ, कुछ वायु के धूल कर और कुछ अशुद्धिया तो क्या होता है नाक का बाल जो है उन अशुद्धियों को रोक लेता है नाक का बाल भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है है ना? इनका भी सांस लेने में इनका भी उपयोग है तो इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है और कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। उपास्थि के वलय यानी कि ये काटिलेज है ये पूर्ण रूप से हड्डी नहीं रहता है अस्थि तो कड़ा होता है उसे दाबने से नहीं दबता है यह पूर्ण रूप से अस्थि नहीं होता है इसे काटिलेज कहते हैं, है ना? इसे कहते हैं, तो कंठ के उपास्थि कार्टिलेज के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपत रहो कंठ में उपास्थिक के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में निपतित हम लोगों में मनुष्य में सबसे पहले नासा द्वार के द्वारा वायु हमारे नासा द्वार से होते हुए श्वास नली है ना श्वास रली से उपस्थित यहाँ पर वलय देखिए ये उपस्थित वलय और ये नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित तो महीन बालों द्वारा, द्वारा निष्पादित तो हो जाती है है ना नासा द्वारा द्वारा वायु गया मुख गुआ श्वास नलीस नली में श्वास नाली के नाली के बाद गया उपास्थि वलय यानी कि ये काटिलेज है ये मुलायम है है ना ये काटिलेज का वलय है रिंग है रिंग और ये हमारा ये फेफड़ा लंग्स और इसमें पतली पतली श्वसन नलिकाएं श्वसन नलिकाएं और आगे में कुपिका ये पतली पतली कुपिका है आकार के ये श्वसनी श्वास नलिका स्वासनिका कुपिका कोश डायफ्राम पसलियां ये इतने जोड़े पसलियों के बीच में लंग्स सुरक्षित रहता है ना ये पसलियां जो है बारह जोड़े या तेरह जोड़े पसलियां होती उनके अंदर लंग्स सुरक्षित रहता है और यहाँ पर है फेफड़ा और ये पसलियां तो ये रहा हमारा श्वसन तंत्र का चित्र इसमें इस श्वसन इस तंत्र में इतने ही अंगों की आवश्यकता होती है नासा द्वार ना गु श्वास नली उपास्थि वलय ट्रेकिया डायफ्राम इत्यादि ठीक है ये है पतली पतली ये पतली पतली कुपिकाए हैं श्वसन है, है। ये फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है छोटी से छोटी और भी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसा रचना में बदल जाता है ये गुब्बारे जैसी रचना में संरचना में बदल जाती जिसे है जिसे कि कूपिका कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं कूपिका इसे कहते हैं कुपिका कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है कुपिकाओं भित्ति में रुधिर का जाल बिछा हुआ रहता है। कुपिका की जो भित्ति होती है इसमें रुधिर का रुधिर वायिकाओं का विस्तृत जाल होता है जैसा प्रारंभिक वर्षों से देख चुके हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है जब हम सांस लेते, लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और जब डायफ्राम चपटा हो जाता है डायफ्राम चपटा हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुई का बड़ी हो जाती है जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा सांस अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा तो जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम चिपटा हो जाता है इसके वक्ष गुई का जो कैपेसिटी है थोड़ी बड़ी हो जाती है और इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है यानी कि फेफड़ा उसे ले लेता है जब वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है थोड़ी कैपेसिटी कैविटी थोड़ी सी कैविटी जब बड़ी हो जाती फाइल जाती है तो वायु फुसफुस के अंदर ले ली जाती है और कुपिकाय को भर देती है जो कुपिकाय ऊपर में हम देख रहे हैं इन्हें वायु से भर देती है रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है रुधिर क्या करता है बाकी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाली कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कुशिकाओं तक पहुंचाती है सबसे तो बड़ा फंक्शन इसका क्या है कि शरीर से कार्बन ये रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और कुपिका कुपिका का, का जो है जब भी मैंने गोल-गोल बैलून जैसा कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी भाग शरीर के सभी भागों में यह शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर की ओर बाहर होती है जब वायु हम लोग लेते हैं सांस लेते हैं श्वसन के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़ा भी हमेशा वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है ठीक है कोपिका रुधिर वायु का रुधिर वायु का, का यानी कि ब्लड वेसल्स एक पतली पतली नलियां होती है जिससे कि रुधिर पार होता है रुधिर बहता है है ना तो ब्लड वेसल्स का रुधिर उपिका वायु से एयर से क्या लेता है ऑक्सीजन लेता है वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है कोशिकाओं तक पहुंचाता है श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो ये फेफड़ा सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं और जिसके ऑक्सीजन के अवशिष्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है अब ये भी पता होगा धूम्रपान के लिए स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान कितना हानिकारक है फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सिलिया कहते हैं ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर दी जाने वाली वायु से रोगाणु धूल कर और रोगाणु धूल कर और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है करने से बालों नष्ट हो जाती है, जिसके कारण धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रासायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। और हमें समझ में नहीं आता है कि मेरा नाक का बाल जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है वो धुएं से बर्बाद हो रहा है खत्म हो जा रहा है पता नहीं चलता है और फिर डायरेक्ट धूल धुआं गंदगी पॉल्यूशन सब हमारे शरीर के अंदर फेफड़े तक पहुंच जाते हैं संक्रमण खांसी और यहाँ तक कि धीरे धीरे फेफड़ों का कैंसर भी स्टार्ट हो जाता है है ना तो इस तरह हम देखते हैं कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे उत्तर करवाएंगे है ना प्रश्न उत्तर वन टू थ्री फोर चार क्वेश्चन में बतलाऊंगी और थोड़ा सा जैसे जैसे जंतु का शरीर का आकार बढ़ता है अकेला भी श्रद्धा शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है है ना जंतुओं का आकार बढ़ता जाता है उनके शरीर का आकार तो विसरण दाब हमारे सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होते हैं वो हमारे लिए नहीं हो पाते कि हमारे सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचा सके विसरण की क्रिया क्योंकि उनकी दक्षता बहुत कम हो जाती है फेफड़े की वायु से ऑक्सीजन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन उत्तकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है मानव में एक श्वसन वर्णक हिमोग्लोबीन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखती है यह वर्णक लाल रंग का कॉर्पोसल्स होता है लाल रुधिर कणिकाएं होती है वर्णक। आर बी सी से उपस्थित होता है जिसके कारण यह लाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में, में विलय अवस्था में होता है है ना इसे फिर मैं और बाद में बतला दूंगी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ इन जंतुओं के जन्तु के बारे में हमारे लिए क्यों है है ना जटिल संरचनाओं में या वो खुश की जीवों में ये मैं अगले क्लास में बताऊंगी आप कैसा लगा आप हमें बताएंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो को भेजूंगी ठीक है ओके बाय थैंक यू